उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्र की महानवमी पर कन्या पूजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के शक्तिपीठ में सुबह दुर्गा देवी के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। इसके बाद गोरक्षपीठ की परंपरा के तहत कन्या पूजन का अनुष्ठान शुरू हुआ। कन्याओं के पांव पखारे, उनका आशीर्वाद लिया। पीतल के थार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी की नौ रूपी कन्याओं और बटुक भैरव के एक एक कर पांव पखारे। दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के साथ में उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत और दुर्बा का तिलक लगाया। माला पहनाकर, चुनरी ओढ़ाकर, उपहार और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद इन कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताज़ा भोजन प्रसादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से परोसा। इन नौ कन्याओं के अलावा बड़ी संख्या में पहुंची कन्याओं और बटुकों यानी कि कुंवारी बच्चों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल नवरात्रि के पर्व में नौ दिन का व्रत रखते हैं, साथ ही चैत्र और शारदीय नवरात्रि में गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। शारदीय नवरात्रि कि आज महानवमी तिथि है, इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के जिन नौ स्वरूपों की अलग अलग तिथि पर पूजन और अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होता है, आज का जो रूप है वह सिद्धिदात्री का है। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी